शुक्रवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली राजधरा से गढ़चिरौली महाराष्ट्र सीमा तक करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क और पुल निर्माण में संबंधित ठेकेदार द्वारा बरती जा रही भर्राशाही की पोल खुल गई। दिल्ली राजधरा से गढ़चिरौली महाराष्ट्र सीमा तक करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क और पुल बाढ़ में बह गए। बताया जा रहा है कि 70 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली राजधरा से मानपुर का संपर्क भी टूट गया है। मानपुर और दिल्ली राजधरा के मध्य नवनिर्मित पुल और हाईवे पहले ही बारिश में बह गए। इस हादसे में मानपुर मुख्यालय के खंडगांव तहसील और भर्री टोला सेक्टर के लगभग 70 गांव में निवासरत 50,000 की सघन आबादी मानपुर मुख्यालय से कटते हुए टापू में तब्दील हो गई।